पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली से शिकस्त झेलनी पड़ी। मराठों का नेतृत्व करने वाले सदाशिवराव भाऊ इस युद्ध में मातृभूमि हेतु बलिदान हुए। सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर दुर्रानी साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। अहमद शाह अब्दाली की फौज से लगभग 22 से 25 हज़ार सैनिक मारे गए और मराठाओं की ओर से लगभग 30 हज़ार सैनिक बलिदान हुए। जिन अफगान अफसरों के रिश्तेदार लड़ाई में मारे गए उन्हें मराठा बंदी सैनिकों और पानीपत की आम जनता के नरसंहार की अनुमति मिली। युद्ध के बाद 40 हज़ार मराठा बंदियों के सरों को काटकर नरमुंडों के ढेर लगाए गए। 22 हज़ार के करीब महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। युद्ध में बचे हुए सैनिकों और महिलाओं को महाराजा सूरजमल जाट ने शरण दी। अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान जाने से पहले शाह आलम द्वितीय को मुगल तख्त पर बिठाया।